बुलाते हैं स्थानीय पवन, लोकल विंड जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय पवन, नाम से क्लियर है लोकल। कुछ ऐसा भी विंड है ना जो किसी खास क्षेत्र में ही बहता है, जैसे आप जून जुलाई में सुनते होंगे लू चल रहा है बाहर मत निकलो, तो लू भी एक हवा है, एक स्थानीय पवन है जो उत्तर भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में बहता है। तो वैसा पवन जो किसी खास क्षेत्र में बहता उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय पवन। द विंड दैट ब्लोज इन अ पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड लोकल विंड। तो लिखते हैं वैसा पवन जो किसी खास क्षेत्र में बहता है, वैसा पवन जो किसी खास क्षेत्र में बहता है उसे स्थानीय पवन कहा जाता है। वैसा पवन जो किसी खास क्षेत्र में बहता है उसे स्थानीय पवन कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय पवन तो बहुत है लेकिन कुछ का बता देते हैं और बाद बाकी का लिस्ट देंगे। स्थानीय पवन जैसे आप नाम सुनते होंगे लू, लू जो चलता है, दूसरा आप सुनते होंगे फॉन, तीसरा आप सुनते होंगे चिनूक, चौथा सुनते होंगे काल वैशाखी जिसको नॉर्थ वेस्टर्न कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न काल वैशाखी। ये सब आपका क्या है, स्थानीय पवन है जो किसी खास क्षेत्र में बहता है। जैसे काल वैशाखी बाबू आपको बांग्लादेश के क्षेत्र में क्या होता है, बहता है। लू जो है या उत्तर भारत पाकिस्तान के क्षेत्रों में क्या है, बहता है। तो ये सब हमारा क्या है, स्थानीय पवन। तो एक एक करके सब के बारे में देखते हैं, लू के बारे में देखते हैं, फॉन के बारे में देखते हैं, चिनू के बारे में देखते हैं। तो पहला हम लोग आते हैं लू पर, पहला हम चर्चा करते हैं लू। देखिए पहला क्या है कि लू के बारे में क्या बोलेंगे कि लू एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है, जो भारत के उत्तरी भाग और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में बहता है। लू एकदम ड्राई विंड होता है, शुष्क पवन होता है। जून जुलाई का महीना अभी देखिए इतनी गर्मी है, तो जून जुलाई के महीना में कोई भी पवन बहेगा तो भाई नमी युक्त तो नहीं होगा, क्योंकि तटीय क्षेत्र में बह नहीं रहा है, कोस्टल एरिया में बह नहीं रहा, ये तो भारत उत्तर भारत में बह रहा है जहाँ चारों तरफ क्या है, स्थल है। ये पवन शुष्क होता है, ड्राई होता है, ठीक है। और इसका तापक्रम कभी कभी 40 डिग्री तक भी जा सकता है, इसलिए देखिएगा एकदम हाई अलर्ट रहता है। जब लू बहने लगता है तो जिला प्रशासन की तरफ से आदेश आता है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसी से हम लोग को क्या होता है, सन स्ट्रोक या लू लगना जिसको कहते हैं, इसी के कारण लग जाता है। तो ये पवन है वास्तव में लू। तो हम क्या लिखेंगे लू के बारे में, यह एक स्थानीय पवन है, यह एक स्थानीय पवन है जो भारत के उत्तरी भाग में, यह एक स्थानीय पवन जो भारत के उत्तरी भाग में तथा पाकिस्तान के कुछ भाग में बहता, यह एक स्थानीय पवन है जो भारत के कुछ भाग में तथा जो उत्तरी भारत में तथा पाकिस्तान के कुछ भाग में बहता है, यह एक गर्म एवं शुष्क पवन होता है, यह एक गर्म एवं शुष्क पवन होता है, ठीक है। तापक्रम कभी कभी, तापक्रम कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तापक्रम कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये किसका कहानी है, लू का। दूसरा कौन, दूसरा किसकी बात करते हैं हम लोग, फॉन की बात करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पवन है,
फोन के बारे में। इसको गौर से समझिएगा कि फोन है क्या, इसको अच्छे से क्या करते हैं समझिए, बाद में हम सबको लिखाएंगे। देखिए क्या है, कुछ पर्वत है, जैसे मान लीजिए अल्प पर्वत है, यूरोप में जाइएगा तो यूरोप में कौन सा पर्वत है, अल्प पर्वत। तो क्या है, पर्वत की एक तरफ नमीयुक्त पवन चढ़ते चलता है, अल्प पर्वत के एक तरफ मॉइस्ट एयर चढ़ता है, क्योंकि तो आगे तो चढ़ नहीं सकता, हवा किस प्रकार से आया तगड़ा के ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। ये कौन सा पवन है, मॉइस्ट विंड, नमीयुक्त पवन है, जो कहाँ चढ़ना चाह रहा है, अल्प पर्वत पर चढ़ना चाह रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगा टेम्परेचर तो घटता है, तापक्रम घटता है, और यही कारण है कि हम लोग हिल स्टेशन पर क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है आपको देखिएगा टेम्परेचर घटता, और इसमें जो भी मौजूद नमी या किसका निर्माण कर देता है, बादल का निर्माण कर देता है, और इस बादल से क्या हो जाता है, जितना भी नमी था यह बादल बन के बरस जाता है। इस तरफ जो हवा आता है, नमी तो ऊपर छोड़ दिया, इस तरफ जो हवा आता है लौट के, ये हवा आपका क्या रहता है, शुष्क पवन है, शुष्क पवन ड्राई विंड रहता है, और यही शुष्क पवन को क्या कहा जाता है, फॉन के नाम से जाता है। तो फोन क्या है, एक स्थानीय पवन है जो अल्प पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र में क्या होता है, बहता है, और यह भी किस प्रकार का पवन है, शुष्क पवन है। तो कभी कभी बुक में ऐसे भी लिख देगा कि फोन जो है एक नमीयुक्त शुष्क पवन है। तो जब अगर आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा ना, तो बड़ा कंफ्यूज कीजिएगा कि नमीयुक्त और शुष्क कैसे हो सकता है, या तो नमीयुक्त होगा नहीं तो शुष्क होगा। अब सोनू सर तो भाई गोरे काले, या तो गोरे होंगे नहीं तो काले होंगे, बीच का तो इस कौन सा रंग हो गया गोरा काला, टीवी तो है नहीं जो ब्लैक एंड व्हाइट होंगे। तो उसी प्रकार से कभी कभी बुक में लिख देता है कि फोन जो है वह नमीयुक्त शुष्क पवन है, वो अपने हिसाब से सही लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, क्योंकि चढ़ते वक्त यह क्या है, नमीयुक्त है, और उतरते वक्त क्या है, शुष्क है, लेकिन उतरते वक्त के ही पवन पे एक्चुअल में फोन कहते हैं, शुष्क पवन को ही फोन कहते हैं। तो फोन का परिभाषा पूछ देगा तो बोलिएगा यह एक स्थानीय पवन है जो अल्प पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र में बहता है, इट इज अ लोकल विंड दैट ब्लोज इन द लीवर्ड साइड ऑफ अल्प माउंटेन। और इटली सब में चूंकि यह शुष्क पवन है, गर्म है, तो इटली सब में बर्फ पिघलाने के काम करता है, बर्फ को यह क्या करता है, पिघला देता है, वहां पर जो फल है उसको ही पकाने का यह काम करता है। तो इस डायग्राम को पहले बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं फोन के बारे में। लिखिए, यह एक स्थानीय पवन है, यह एक स्थानीय पवन है जो अल्प पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र में बहता है, यह एक स्थानीय पर्वत है, सॉरी स्थानीय पवन है जो अल्प पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र में बहता है। ठीक है, यह एक शुष्क पवन होता है, यह एक शुष्क पवन होता है, यह इटली में बर्फ को पिघलाता, यह इटली में बर्फ को पिघलाता है। ठीक है, अगला लिखिएगा, यह फल को पकाने में भी मदद करता, यह फल को पकाने में भी मदद करता है। तो क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा पवन है जो अल्प पर्वत के, क्लास बढ़ेगा बाबू, दो क्लास होगा, एक में साइंस पढ़ाएंगे एक में आर्ट्स पढ़ाएंगे, एक क्लास में नहीं होगा, यह फल को पकाने में मदद करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देगा निम्न में से कौन सा ऐसा पवन है जो अल्प पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र में बहता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए,
फौन होना चाहिए। दूसरा दिया कि निम्न में से कौन सा पवन है जो फल को पकाता है, तो उसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फौन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, छीनू। अगला जो पवन है वो क्या है, छीनू। अगला जो पवन है वह क्या है, चीनू। देखिए चीनू क्या है, इसको समझते हैं। वहां पर अल्प पर्वत था, यहाँ पर रॉकी पर्वत हो जाएगा, बस यही अंतर है। यहाँ पर क्या लगेगा, ये रॉकी पर्वत, या रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत पर क्या होगा, नवयुग पवन चलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे रॉकी पर्वत पर नवयुग पवन चलेगा, नवयुक्त पवन ऊपर चढ़कर क्या करेगा, बादल का निर्माण करेगा। इसका बादल सब क्या हो जाएगा, बरस जाएगा। और रॉकी पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र में जो पवन बहेगा, इसी पवन को क्या कहा जाएगा, चिनूक कहा जाएगा। तो चिनूक क्या है, यह एक स्थानीय पवन है, यह एक लोकल विंड है जो रॉकी पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र में क्या होता है, बहता है। तो बस इसका लोकेशन याद रखना है, लिखिएगा चिनूक एक स्थानीय पवन है, चिनूक एक स्थानीय पवन है जो रॉकी पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र में बहता है। चिनूक एक स्थानीय पवन है जो रॉकी पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र में बहता है। ठीक है, अगला है नॉर्थ वेस्टर्न। अगला हमारा आता है नॉर्थ वेस्टर्न, जिसको काल वैशाखी कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काल वैशाखी। देखिए काल वैशाखी क्या है, यह भी एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है, जो उत्तरी भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों में बहता है। इसमें क्या होता है, इस पवन के साथ वर्षा भी होती है और साथ साथ थंडरिंग भी होता है, ठंड का भी ठणकते रहता है। देखिएगा हाल फिलहाल में आपको देखिए, कभी कभी अचानक से बारिश होने लगेगी, ठंड का ठनकने लगेगा। तो बांग्लादेश सबके क्षेत्र में या उत्तर भारत के क्षेत्रों में यह बहता है। तो यह भी एक स्थानीय पवन है जो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में और बांग्लादेश के क्षेत्रों में यह बहता है। इस पवन का विशेषता है कि इस पवन के साथ भारी वर्षा और थंडरिंग यानी कि त्वरित झंझा भी आता है। तो लिखिएगा, यह एक स्थानीय पवन है, यह एक स्थानीय पवन है जो भारत के उत्तरी भाग में, जो भारत के उत्तरी भाग में तथा बांग्लादेश में बहता, यह एक स्थानीय पवन है जो भारत के उत्तरी भाग में तथा बांग्लादेश में बहता है। इसके साथ भारी वर्षा, इसके साथ भारी वर्षा, इसके साथ भारी वर्षा तथा इसके साथ भारी वर्षा तथा तरित झंझा आता, इसके साथ भारी वर्षा तथा तरित झंझा आता है। ठीक है, ये हमारा स्थानीय पवन हो गया। अब जो अगला है और पवन का जो अंतिम टाइप है, ये है परिवर्तनशील पवन।